गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। और जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हम लोगों ने कल एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने कल आप लोगों को शॉर्ट इंट्रो दिया था, एक जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। इंट्रो ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी स्टिल हमने बहुत सारे चीजों को डिस्कस किया था कि क्या क्या चीजें होती हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसे बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया था इंट्रोडक्शन में कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसमें दो अलग अलग स्पीशीज के डीएनए को, दो अलग अलग प्रजातियों के ऑर्गेनिज्म के डीएनए को लेकर उन्हें पहले फ्यूज कराया जाता है, पहले कंबाइन किया जाता है, और जो नया डीएनए बनता है उसे हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं स्टडीज के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जहां पर एक पर्सन और दूसरे पर्सन दो अलग अलग स्पीशीज के, दो अलग विभिन्न प्रजातियों के जो ऑर्गेनिज्म है उनका हमने डीएनए लिया या जेनेटिक मटेरियल लिया, ये दोनों के डीएनए लेकर हम दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो जो बनने वाला डीएनए है वो कहलाता है आपका आरडीएनए, मतलब आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये बने हुए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम पर्सन नंबर थ्री मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करेंगे जो हमारा होस्ट रहेगा जिसपे ऊपर हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका मैंने कल हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया था, मैंने एक बार अभी फिर से बता दिया ताकि आगे समझने में और आसानी हो करके। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अगर हमको करना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीजें करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है, स्टेप्स के अंतर्गत स्टेप्स ऑफ जेनेटिक, स्टेप्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, मतलब यही स्टेप्स ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो स्टेप्स की अगर बात की जाए तो जो पहला स्टेप होता है वो पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो पॉइंट नंबर वन, ये आइसोलेशन क्या होता है मतलब समझना होगा आपको। आइसोलेशन का हिंदी टर्म है अलग करना, ठीक है, किसी चीज से आइसोलेट करना मतलब अलग करना। अब आप अच्छे से जानते हैं, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए दोनों को हम पहले निकाल कर पहले दोनों को कंबाइन करते हैं, उसके बाद जो बनने वाला फलस्वरूप जो डीएनए है वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। तो पहला स्टेप ही हमारा क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल को निकालना। अब ये पर्सन नंबर वन है, ये पर्सन नंबर टू है, दोनों के डीएनए को निकाल कर आपको कंबाइन करना है ताकि आप आर डीएनए बना सके, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सके। तो उसके लिए तो जरूरी है ना कि पहले तो इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करें, आप अलग करें इनसे। दोनों के जेनेटिक मटेरियल को सबसे पहले बाहर निकालना, अलग करना, उस ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करना सबसे पहला टास्क होता है। तो सबसे पहला टास्क में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें क्या है देखते हैं, द फर्स्ट स्टेप इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी इज टू आइसोलेट द डिजायर्ड डीएनए इन इट्स प्योर फॉर्म दैट इज फ्री फ्रॉम अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब आप सभी अच्छे से जानते हैं अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर मान लीजिए इकोलाई है, इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई का मैं प्रयोग में यूज करने वाली हूँ, ये भी ये दूसरा इकोलाई है, इकोलाई नंबर वन, इकोलाई नंबर टू, दोनों इकोलाई जरूर हैं लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के इकोलाई हैं, ठीक है, ठीक। या तो फिर मान लीजिए ये दूसरा बैक्टीरिया है, इकोलाई नहीं है, ये स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है, ये दूसरा बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया। अब जब कभी भी हम अगर दोनों के डीएनए को या जेनेटिक मटेरियल को अगर हम बाहर निकालते हैं तो कभी भी अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको करना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो यूज किया जाने वाला डीएनए है जिसको आप जिस दो डीएनए को मिलाकर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हैं, वो डीएनए कभी भी जब आप अलग करें तो आपको प्योरेस्ट फॉर्म में चाहिए, वो मतलब शुद्ध क्वालिटी का,
मतलब किसी भी प्रकार की इम्प्यूरिटीज या अशुद्धता उसमें नहीं होनी चाहिए। अब डीएनए को अगर प्योर फॉर्म में हमको चाहिए तो डीएनए में ऐसा क्या रहता है जो हम लोग को अलग करना रहेगा? फिर डीएनए जब हम अलग करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी, बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जैसे कुछ प्रोटीन्स रहेंगे, कुछ आपके लिपिड्स के पार्ट रहेंगे। तो इन सब चीजों से रहित, इन सब चीजों से अलग करते हुए हमको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डीएनए चाहिए, प्योरेस्ट डीएनए, ठीक है, एकदम शुद्ध डीएनए जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो। अशुद्धि से तात्पर्य है अन्य मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए आपके डीएनए में, जब आप अपने डीएनए को आइसोलेट करके यूज करने वाले हैं। तो जो मेन जिससे जो डीएनए से जिस डीएनए से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे उसके लिए हमको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डीएनए की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डीएनए हमको चाहिए। दूसरी बात ये कि सिंस डीएनए एग्जिस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन अलोंग विद अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स सच एज आरएनए, पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इट मस्ट बी सेपरेटेड एंड प्यूरिफाइड विच इन्वॉल्व्स। अब जो डीएनए है आपका, डीएनए कोशिका के सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है रहता है, जो झिल्ली है कोशिका झिल्ली, उसके साथ एम्बेडेड होके जो डीएनए है वो रहता है। और डीएनए के साथ बहुत सारी चीजें हैं जो साथ में रहती है, जैसे कि आपका पॉलीसेकेराइड है, प्रोटीन है, कभी कभी आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं, और फिर आपका लिपिड्स। तो इतने सारे आपके क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब बड़े अणु, माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब छोटे अणु, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब बड़े बड़े अणु हो, इन इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ आपका जो डीएनए है एम्बेडेड रहता है, साथ में रहता है। अब जब आपको जरूरत है आपके डीएनए की तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपके डीएनए की जरूरत है, मतलब एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डीएनए। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, आरएनए और लिपिड। इसलिए हम लोगों को जरूरी है कि इन सभी को हमको अलग करना होगा और हमारे डीएनए को अच्छे से प्योरेस्ट फॉर्म में शुद्ध डीएनए को आइसोलेट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब डीएनए को यहां से अलग करने के बाद प्यूरिफाई भी करना रहता है। अब जब फिल्टर करते हैं कि नहीं, अब हम लोग कहीं कहीं भी हम कोई भी चीज लेकर आते हैं, सब्जी भी घर से घर लेकर आते हैं, सब्जी तो अच्छा मिला है, फ्रेश फ्रेश है बोलते हैं, लेकिन क्या बिना धोए खाते हैं? आप पहले उसको प्यूरिफाई करते हैं, प्योर करते हैं ना, शुद्ध करते हैं, मतलब अच्छे से गंदगी हटा के अच्छे से साफ करते हैं, फिर आप सब्जी को खाते हैं, ठीक है, पकाकर। तो फिर प्योर करना भी इम्पोर्टेंट है, आपने आइसोलेट तो कर लिया लेकिन प्यूरिफाई भी करना उसे जरूरी होता है। अब जो आप सेपरेट करेंगे, जब डीएनए को सेपरेट करने के लिए, डीएनए को किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर से आइसोलेट करने के लिए और प्यूरिफाई करने के लिए कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। एंजाइम्स की आवश्यकता है किस चीज के लिए आवश्यकता है? एक है आइसोलेशन के लिए और दूसरा है आपका प्यूरिफिकेशन के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए। तो आइसोलेशन के लिए और प्यूरिफाई करने के लिए आपको अपने कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होगी। इन एंजाइम्स की सहायता से आप जो है इस ऑर्गेनिज्म का अगर डीएनए है तो इस डीएनए को बाहर निकालने के लिए भी एंजाइम्स की आवश्यकता होगी। और वो एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम हैं उसको देखते हैं। पहला है आपका लाइसोजाइम्स, फिर सेलुलेज, फिर काइटिनेज, राइबोन्यूक्लिएज, प्रोटीएज, ये सब कुछ कुछ एंजाइम्स हैं। कौन कौन से हो गए? लाइसोजाइम्स, लाइसोजाइम्स हुआ, काइटिनेज, प्रोटीएज, सेलुलेज, सेलुलेज और आपका राइबोन्यूक्लिएज। तो ये कुछ पांच एंजाइम्स हैं, इनके अलावा भी और कुछ कुछ एंजाइम्स भी रहते हैं, मतलब अब सभी को यहाँ पर नहीं लिख सकते नाम को, लेकिन जो मेजरली जो ये पांच होते हैं एंजाइम्स, इनके अलावा कुछ और भी एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को आइसोलेट करने और प्यूरिफाई करने में जो है हमें
हेल्प करते हैं। तो ये कुछ हुए आपके एंजाइम्स। अब इन एंजाइम की सहायता से हमने डीएनए को अलग करेंगे और क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, उन्हें सेपरेट करने के बाद प्यूरिफाई करेंगे। अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर रिमूवल विथ अदर एंजाइम्स और ट्रीटमेंट। और जो कुछ अन्य मैक्रो मॉलिक्यूल्स रह गए, इनके अलावा पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, आरएनए, लिपिड, ये आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे जिनमें आपका डीएनए साथ साथ में रहता है, ठीक है, इनके साथ साथ में डीएनए भी रहता है। इनको अलग करने के लिए भी हम एंजाइम्स यूज कर रहे हैं जैसे कि मैंने अभी लिखाया, और प्यूरिफाई करने के लिए भी हम इन एंजाइम्स को यूज करते हैं। लेकिन और जो अन्य मैक्रो मॉलिक्यूल्स अगर रह जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ और अन्य एंजाइम्स के को यूज करते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। अल्टीमेटली द एडिशन ऑफ इथेनॉल कॉजेस द डीएनए टू प्रेसिपिटेट आउट एज फाइन थ्रेड, दिस इज देन स्पूल्ड आउट टू गिव प्यूरिफाइड डीएनए। कभी भी एक चीज याद रखना, आप लोगों का जब प्रैक्टिकल होगा तो भी मैं आज एक चीज बता रही हूँ, जब कभी भी नॉर्मलाइज होगी चीजें, आप लोग कॉलेज आएंगे और प्रैक्टिकल्स करेंगे तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछूंगी भी। आज मैं एक चीज बता रही हूँ कि कभी भी अगर डीएनए को हमको देखना है, डीएनए क्या हम लोगों को कलर में दिखाई देता है क्या? नहीं, कभी नहीं। तो डीएनए को अगर हमको देखना है अच्छे से तो डीएनए को प्रेसिपिटेट करना होता है, और डीएनए को प्रेसिपिटेट करने का गुण सिर्फ एक ही चीज में होता है, वो है आपका इथेनॉल, ठीक है। और ये जो इथेनॉल क्या चीज है, जिससे आप लोग 70% अल्कोहल बनाते थे ना, वही चीज है ये, ठीक है। ये इथेनॉल में ऐसी क्वालिटी होती है कि ये डीएनए को प्रेसिपिटेट करने का काम करता है। तो अगर हम लोगों को डीएनए सेपरेट भी करना है, अलग करना है, तो डीएनए का तो कोई कलर होता नहीं है, वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, हमको दिखाई देगा नहीं। तो डीएनए को प्रेसिपिटेट करते हैं हम एल्कोहल के यूज से, मतलब जो आपका इथेनॉल है उसके यूज से। इथेनॉल के यूज से क्या होगा, डीएनए जो है वो प्रेसिपिटेट होके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है धागेनुमा संरचना में हम लोगों को दिखाई देता है। ये आप लोग का प्रैक्टिकल है, मैं आप लोग को कराऊंगी भी। आप लोग के बहुत सारे डीएनए से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रोफोरोसिस आप लोग को करना है, जो आप लोग का मेजर मेजर प्रैक्टिकल्स है, ठीक है। तो ये जो इथेनॉल होता है इसमें ये गुण पाया जाता है कि डीएनए को ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो एक तो हमने यूज कर लिया बहुत सारे एंजाइम्स को, अब अगर हमको डीएनए को और अच्छे से देखकर अलग करना है तो उसके लिए हम इथेनॉल यूज कर सकते हैं, क्योंकि इथेनॉल क्या कर देता है, डीएनए को प्रेसिपिटेट करने का काम करता है, ठीक है। जिससे डीएनए प्रेसिपिटेट होकर धागेनुमा संरचना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है, जिससे हम उसको सेपरेट अप कर सकते हैं। और जब ये जब मान लीजिए कि आपका एक पेट्री प्लेट है, पेट्री प्लेट में आपने पूरे डीएनए के सैंपल रखा, अब आपको डीएनए को निकालना है वहां से, आपने सब चीज कर लिया, एंजाइम हटा, एंजाइम का यूज करके आपने पूरा मैक्रो मॉलिक्यूल हटा, अब सिर्फ आपको डीएनए की आवश्यकता है, डीएनए को निकालना बस है, जो इम्प्योर फॉर्म में है, सेपरेट तो हो गया है, ऑर्गेनिज्म के बाहर निकल गया लेकिन इम्प्योर है अभी। तो प्योरेस्ट फॉर्म वाले सिर्फ डीएनए की आवश्यकता है अगर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इथेनॉल यूज करेंगे। कोशिश करना चाहिए कि इथेनॉल कभी भी ठंडा होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है, इथेनॉल चिल्ड इथेनॉल हो तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज आप नॉर्मल जो है, नॉर्मल जैसे अभी का टेम्परेचर जैसा है, अभी ठंड का टाइम है, तो उसमें अगर आप चिल्ड इथेनॉल यूज ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन अगर इथेनॉल चिल्ड हो तो ठीक है। तो आपने मान लीजिए यहाँ पर आपका बहुत सारा सैंपल रखा है जो इम्प्योर फॉर्म में, आपका डीएनए आपने सेपरेट कर लिया है, अलग तो कर लिया है लेकिन वो इम्प्योर फॉर्म में, तो अब अगर आप इथेनॉल डालेंगे, इस इथेनॉल को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा और धागेनुमा संरचना जैसे हमको दिखेगी। तो धागेनुमा संरचना दिखेगी तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्पूल आउट कर सकते हैं, प्यूरिफाइड डीएनए है, एकदम शुद्ध वाला डीएनए है, प्योर है एकदम, तो इसको हम स्पूल आउट मतलब निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये एक चीज हो गई जो हम लोगों ने किसमें पढ़ा, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो पहला स्टेप था। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि एक्चुअल में जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं तो पहला बड़ा टास्क तो यही रहेगा ना कि हम लोगों को हमारा जो डीएनए है उस डीएनए को उस ऑर्गेनिज्म से अलग करना है, ताकि हम दो अलग अलग विभिन्न प्रजातियों के डीएनए को उनसे उन ऑर्गेनिज्म से अलग करेंगे, अलग करेंगे तभी तो हम उनको कंबाइन करेंगे। जैसे मेरा डीएनए है, मेरे डीएनए के साथ अगर ग्रेसी का डीएनए, हम दोनों के डीएनए को निकाला जा रहा है, तो हम दोनों के डीएनए को आइसोलेट करने के लिए ये पूरी प्रोसेस करेंगे जो हम लोग मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो है प्रोसेस होता है, ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप देखते हैं। अब हम डीएनए को निकाल चुके, डीएनए को हमने आइसोलेट कर लिया, प्यूरिफाई कर लिया, अब आगे क्या करेंगे उसे देखते हैं सेकेंड स्टेप्स में। सेकेंड जो स्टेप है वो है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन।
अभी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन है वो क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर एक एंजाइम का जो नाम यूज किया गया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और आप लोगों के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस के, डीएनए लाइगेशन, ये जितने भी डीएनए से रिलेटेड है वहां पर इस एंजाइम का नाम जो है आप लोग बार बार सुनेंगे, ठीक है। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता क्या है, ऐसा क्या है जो ये मतलब जो गुण रखा है जिसकी वजह से इसे डीएनए के सभी एक्सपेरिमेंट और डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्या एक वर्ड लिखा हुआ है, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब आप लोग क्या समझते हैं, पाचन करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डाइजेशन से मतलब पाचन करना नहीं है। पॉइंट नंबर वन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है एक कैंची की तरह काम करता है, और वो जो कैंची है उसे मॉलिक्यूलर सीजर के जैसे काम करता है। क्या काम क्या 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 करता है, मॉलिक्यूलर सीजर मतलब एक प्रकार की कैंची के जैसे कार्य करता है। कैंची से क्या करते हैं हम लोग, कैंची से हम लोग काटते हैं, कपड़ा काट रहे हैं, बाल काट रहे हैं, पेपर काट रहे हैं, जो भी चीज कट लगाते हैं, ठीक है। तो वही गुण है इस एंजाइम में, इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है एक मॉलिक्यूलर सीजर के जैसे कार्य करता है, जो क्या करता है डीएनए को, ये आपका डीएनए है आपने जो अलग किया, ठीक है, आपने जो अलग करके रखा था, ये एक ऑर्गेनिज्म, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म का, ये पर्सन नंबर वन का डीएनए, पर्सन नंबर टू का डीएनए, ठीक है। हमने अलग करके प्यूरिफाई करके सब करके रेडी कर दिया। तब सेकेंड स्टेप में जब आते हैं तो हम लोग को क्या करना रहता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करना रहता है। और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये क्या है, एक मॉलिक्यूलर सीजर के जैसे कार्य करता है, मतलब कैंची के जैसे, मॉलिक्यूलर कैंची। अब ये जो कैंची है, कैंची का काम होता है कट लगाना, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये क्या करेगा, स्पेसिफिक साइट्स पे, कुछ विशेष जगह पे कट लगाएगा डीएनए को। यहां कट लगाया, यहां कट लगाया, यहां कट लगाया, ठीक। वैसे ही दूसरे में करेगा, यहां कट लगाया, ऐसे कर करके वो कट लगाएगा। तो स्पेसिफिक लोकेशन पर, स्पेसिफिक जगह पे ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है डीएनए को कट करने का काम करता है, क्योंकि ये कैंची की तरह कार्य करते हैं। एंड दिस रिएक्शन आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। और इसी रिएक्शन को, इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के डीएनए को कट लगाने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, ठीक है, जो आपका सेकेंड स्टेप है। तो हमको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से क्या करना होगा, डीएनए को कट करवाना, काटना होगा, ठीक है। दे इन्वॉल्व द इंक्यूबेशन ऑफ द प्यूरिफाइड डीएनए विद द सिलेक्टेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एट कंडीशन ऑप्टिमल फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस करने के लिए इतना इजी नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को लाएं और वो कैंची जैसे काट दिए डीएनए को, नो, इट्स नॉट दैट सिंपल। सबसे पहले तो अगर इस प्रोसेस को करना है, अगर इस स्टेप को करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो प्यूरिफाइड डीएनए है जो आपने लिया है, मतलब जिस डीएनए को हमने सेपरेट किया था और प्यूरिफाई करके रखा हुआ है, उस डीएनए को हम क्या करेंगे, एक एक पहले आपने ग्लासवेयर, जैसे फिर मान लीजिए आपका बीकर हो गया है, फिर आपने पेट्री प्लेट में रखा हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब जो प्यूरिफाइड डीएनए है उसमें आप अपने इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डालेंगे। अगर पेट्री प्लेट में रखा है आपने डीएनए को, तो फिर डीएनए के में फिर आप क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डालेंगे, ठीक है। और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको डालने के बाद जो है थोड़ी देर रुकना है हम लोगों को, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब हम डाल रहे हैं, तो सही टेम्परेचर पे, सही टेम्परेचर होना चाहिए, सही टाइम होना चाहिए, स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे कंडीशन सप्लाई है, सही कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि अच्छा कंडीशन रहेगा तभी ये काम करेगा अच्छे से। जैसे टेम्परेचर है कि जो जिसमें आपने डीएनए का सैंपल रखा हुआ है उसका टेम्परेचर अच्छा कि नहीं, कोई लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड जो फॉर्म है वो टेम्परेचर सही है कि नहीं, रूम टेम्परेचर में है तो कैसा होना चाहिए, किसी प्रकार के बैक्टीरिया तो नहीं है वहां पर, तो इन सब चीजों के कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपने यहाँ पर डीएनए पेट्री प्लेट के अंदर डाल दिया, अब आप क्या करेंगे, इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डालेंगे, ठीक है, ये आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब आप छोड़ देंगे थोड़ी देर, अच्छा सही कंडीशन प्रोवाइड करके छोड़ देंगे, ठीक है, स्पेसिफिक मतलब। उसके बाद क्या होगा, दिस टेक्निक एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवील्स द प्रोग्रेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। अब जब कट लगने के बाद
थोड़ी देर बाद छोड़ दिए, थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे, एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद जो है हमारा डीएनए जो है वो उस पे कट लग जाया रहता है, डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए हमारे। किसने तोड़ा, किसने काट का कट किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका कट लगाने वाला प्रोसेस हुआ जिसमें डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बढ़ गए। अब डीएनए आपका छोटे छोटे टुकड़ों में कटा है कि नहीं ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तो पता चलेगा ना कि प्रोसेस हो रही है, नहीं तो फिर आपने तो बस हाँ कट लग गया डीएनए, डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया, अरे बाबा। लेकिन हम लोग को कंफर्म भी तो करना है कि यस इसने, इस एंजाइम ने काम भी किया है या नहीं, इसने सच में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कट भी किया है कि नहीं, ये चीज जानना भी जरूरी है। ठीक है, और उसे हम कैसे जानेंगे, एक प्रोसेस है जो उसको भी आप लोग करने वाले हैं प्रैक्टिकल्स में, उस प्रोसेस का नाम है, वो एक टेक्निक है, उसका नाम है इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस एक एनालिटिकल टेक्निक है। इस इलेक्ट्रोफोरोसिस तो एक टेक्निक है, लेकिन इलेक्ट्रोफोरोसिस में बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन जो हम लोग करते हैं यूजुअली वो कौन सा है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, जिसमें एग्रोस का यूज करके हम जेल बनाते हैं और हम इलेक्ट्रोफोरोसिस करते हैं। ठीक है, तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस जो है, इस टेक्निक के जरिए हम लोग पता लगा सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्चुअल में कट लगाया और प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं, हुआ भी है कि नहीं प्रोसेस, ये वाला कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो हुई भी है कि नहीं हुई है, डाइजेशन उसने किया भी है डीएनए का या नहीं किया है। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स रनिंग आउट द डीएनए ऑन एन एग्रोस जेल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ करंट एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए रिवल्स ट्रैवल्स टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड इज सेपरेटेड आउट बेस्ड ऑन साइज। दिस अलाउज सेपरेटिंग एंड कटिंग आउट द डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट। अब ये जो प्रोसेस है ये कैसी होती है, उसे बताने के लिए मुझे आप लोगों को पूरा इंस्ट्रूमेंट पहले दिखाना होगा, और जब इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगी मैं तब आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाकर ये इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होता है और कैसे पता चलता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो काम कर रहे हैं कि नहीं, उसे हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों का टाइमिंग भी हो गया है, क्योंकि आप लोगों का रनिंग आउट ऑफ टाइम भी बता रहा है, मैं आप लोग के डाउट्स भी ले लेती हूँ।